योगी आदित्यनाथ इस बार उत्तर प्रदेश की कमान फिर संभालने जा रहे हैं रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर आज वो शपथ लेंगे इसको लेके उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जहां खुशियां मनाई जा रही हैं वहीं खुद गोरखपुर ज़िले के गोरखनाथ मठ में भी खुशियां मनाई जा रही हैं और यहां पर सुबह से पूजा अर्चना की गई कुछ लोगों को लखनऊ रवाना भी किया गया है वो वो लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई थी हमारे साथ गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी कमलनाथ जी मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कमलनाथ जी क्या कुछ तैयारियां मंदिर में चल रही हैं लखनऊ में शपथ होने वाला है यहाँ पे किस तरीके से आप लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ तो शपथ ग्रहण चलने के बाद चार बजे होगा हम यहाँ खुशी मना रहे हैं पूजा पाठ किए हम लोग मंत्र उच्चारण के विद्यार्थी आए थे महात्मा आए थे जनता आए खुशी में पूजा पाठ किए हैं विशेष पूजा पाठ किए हैं अच्छा इसके अलावा कुछ लोग यहाँ से लखनऊ भी गए हैं काफ़ी बसें सुबह गई वो कौन लोग थे जो यहाँ मंदिर से निकल के भेजे गए थे कार्यकर्ता थे।, थे जनता थे और तो यहाँ के कब्बे कार्यकर्ता था और बाहर की जनता था क्षेत्र से आए हैं वो सब जा गए हैं खुशी में मनाया जाया मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी आदित्यनाथ की जो दिनचर्या हुआ करती थी उसमें क्या आपने पिछले पाँच सालों में कोई बदलाव देखा बदलाव तो वही चल रहा है परम्परा है जब पहले था संसद था अब तो मुख्यमंत्री बन गया और जनता और खुशी है इसीलिए और काम बढ़ गए उसका ना पहले संसद था वो तो पूरे राज्य था ये तो राज्य के ना उत्तर प्रदेश के राज्य के है ना और संसद था तो पूरा इसलिए काम बढ़ा गए और बढ़ गए ना जनता में खुशी है और है जब मंदिर में होते हैं सीएम साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में होते हैं तो उनकी दिनचर्या क्या होती है क्या करते हैं वो तो साढ़े तीन बजे चार बजे उठ जाते हैं पूजा पाठ करते हैं ऊपर में दुर्गा जी का मंदिर भी है वहाँ भी पूजा करते हैं उसके बाद सीधे नीचे छः बजे उतरते हैं गोरक्षनाथ मंदिर में जाते हैं शंकर जी शीतला जी हनुमान जी का दर्शन करते हुए अपने गुरु महाराज की समाधि में पूजा करते हैं और गौशाला जाते हैं गौशाला में गौ को बिस्कुट खिलाते हैं घोल खिलाते हैं और छोटे से बच्चे उसको बुलाते हैं तो आ जाते हैं पर अब यहाँ उसके बाद साधना वन में आते हैं जो कुत्ते हैं उसको खिलाते हैं उसको भी बिस्कुट खिलाते हैं वो भी खुशी से कालू उलू है उसमें कुत्ते हैं उसको खिलाते हैं अच्छा आप कितने वर्षों से योगी जी को जानते हैं आप मंदिर में कब से हैं हमको यहाँ तो पैंतालीस साल हो गया छिहत्तर में आए थे हमने योगी जी को कब से देख रहे हैं आप हम तो यहाँ तो कमला भी दिए थे हमने तो हाँ रुके हुए थे अच्छा आज दोबारा वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं इस मौके पे आज एक विशेष पूजा भी की गई क्या थी वो पूजा और क्यों की गई ये तो खुशी पूजा किए थे शपथ ग्रहण महाराज के लखनऊ में इसलिए खुशी में पूजा की है ना विशेष पूजा की खुशी में क्या था उस पूजा में विशेष में वो सब अच्छा अक्षत थे लक्षत है चंदन है फूल है अगरबत्ती है घंटी में जो तो डुबिया था उसमें पूजा की अपना गोरखनाथ जी के सामने तो ये थे कमलनाथ जी मुख्य पुजारी हैं गोरखनाथ मठ के इनका कहना था कि आज एक विशेष पूजा मंदिर में की गई ये पूजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान संभालने की खुशी में की पूजा की गई इस पूजा में विशेष मंद उच्चा, उच्चारण किया गया और ये तय किया गया कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर देश की जनता एक दूसरे और बड़े पद पर देखना चाहती है